तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में, जहां पे हम बात करने वाले हैं एक दिन की, जहां पे WWE ने अनाउंस करा अपना रिकॉर्ड रिवेन्यू कि कितने कमाई जो है इस कंपनी की हो रही है। लेकिन सेम डे पे कुछ घंटों बाद उन्होंने 19 WWE सुपरस्टार्स को रिलीज कर दिया, जिनमें से कई सारे नाम शॉकिंग भी हैं। और शायद आप लोग जो इंडिया में भी उठ रहे हैं भाई, डेफिनेटली इस न्यूज को एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे कि ये चीज आ सकती है। तो इससे पहले कि हम वीडियो में जाएं, मैं आपको एक स्टैट बता दूं कि 13 रोस्टर कट्स अगस्त 6 को देखने को मिले थे, उसके बाद 14 ऑन जून 25, 6 ऑन जून 2, 8 ऑन मई 19 और 10 ऑन अप्रैल 15। तो पहली बार ऐसा नहीं हो रहा कि WWE ने इतने सारे सुपरस्टार्स को एक साथ रिलीज कर दिया है। और भाई जिस दिन अपना रिवेन्यू बढ़ता हुआ बताया, उसी दिन बजट कट की वजह से जो है सुपरस्टार्स को रिलीज कर दिया। आप लोग अपने ओपिनियंस डेफिनेटली मुझे कमेंट्स में बताएं, लेकिन इससे पहले मैं आपको सारे नाम बताऊं किन सुपरस्टार को रिलीज करा गया। बात कर लेते हैं इस रिवेन्यू कॉल की जो कि आज WWE की हुई, जहां पे विंस मैकमैन ने अपनी कंपनी के नंबर्स बताए हैं। तो जो रिवेन्यू था गाइस, वो था $255.8 million और ये 15% इंक्रीज है, यानी कि $34.2 million का इंक्रीज है अगर हम पिछले क्वार्टर कंपेयर करें इसी साल के। इसके अलावा यह भी माना जा रहा है कि समर स्लैम की जो इस साल मर्चेंडाइज की सेल्स थी वो 155% ज्यादा थी पिछले साल की समर स्लैम की कंपैरिजन में। तो डेफिनेटली भाई WWE को बहुत फायदा हुआ है, 51,000 लोग आए थे समर स्लैम को देखने और काफी बड़े स्टेडियम में उन्होंने उस शो को करा था बहुत ज्यादा प्रमोशन के साथ। तो डेफिनेटली कंपनी की कमाई होनी थी, लेकिन सेम दिन पे आखिर क्यों, अगर WWE के इतने भाई पैसे बनी रहे हैं तो बजट कट वो क्यों कर रहे हैं? तो इसका जो है जवाब किसी के पास है नहीं, लेकिन अब हम बात कर लेते हैं इन सारे नामों की जो कि एक्चुअली रिलीज कर दिए गए हैं। तो मैं आपके सामने पढ़ने वाला हूं और कुछ नाम शॉकिंग होंगे। कैरियन क्रॉस, बी फैब, ब्रायना ब्रांडी, ग्रैंड मेटालिक, लिंसे डोराडो, ईवा मरी, मिया यिम, नाया जैक्स, और ये डेफिनेटली मेरे लिए एक शॉक था, हैरी स्मिथ, कीथ ली, एम्बर मून, स्कारलेट, ओनी लोरकन, फ्रैंकी मोने, और उसके बाद ट्रे ब्रैक्स्टर, जेसी कमिया, जीत रामा, जेदा रेमियर और कैटरीना कॉर्टेज। तो ये सारे गाइज नाम है, 18 नाम जो कि मैंने लिए, इनको कर दिया गया आज WWE से रिलीज। आई डोंट नो कि जब ये वीडियो मैं बना रहा हूँ क्या इसके बाद और भी नाम अनाउंस करे जाएंगे, क्योंकि अनाउंसमेंट्स पिछले कुछ घंटों से आ रही हैं सारी रेसलिंग वेबसाइट्स के ऊपर कि आखिर किसको रिलीज करा जा रहा है। अब मेरे लिए जो सबसे शॉकिंग नाम था यहाँ पे वो था नाया जैक्स, कीथ ली, कैरियन क्रॉस और स्कारलेट का। आई थिंक एम्बर मून भी एक शौक था और ईवा मरी भी शौक था, क्योंकि इतने समय बाद ईवा मरी को WWE में वापस लाया गया और अब फिर से रिलीज कर दिया गया। तो आखिर क्या हो रहा है ये कंपनी में भाई, किसी को समझ नहीं आ रहा। और कमाल की बात यह है कि WWE, जैसा कि मैं कह रहा हूँ, सेम दिन जब उन्होंने एक चीज़ अनाउंस करी, हाँ भाई हम प्रॉफिट में जा रहे हैं, और उसी दिन उनको बजट कट भी करने की ज़रूरत पड़ गई। तो क्लियरली गाइस, कल ये न्यूज़ भी आ रही थी कि अब WWE में कोई भी सेफ नहीं है। मतलब एक पॉइंट अब ऐसा आ चुका है कि एक साल पहले जो WWE कंपनी हुआ करती थी वो अब बिल्कुल भी नहीं है और कोई भी किसी पॉइंट पर रिलीज करा जा सकता है। इतना ही नहीं गाइस, WWE के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जो कि 15 साल से कंपनी के साथ बने हुए थे, स्टैन्स की, उनको कल रिलीज कर दिया गया है माना जा रहा है। और ये बहुत बड़ी शॉकिंग न्यूज थी इंटरनली सारे ही रोस्टर के लिए, क्योंकि एक बंदा इतने सालों से जो कि इस कंपनी के साथ बना हुआ है, विंस मैकमैन के लिए काम कर रहा है, उसको अचानक एकदम से क्यों रिलीज कर दिया जाता है? क्या ये निक खान है, क्या ये विंस मैकमैन है? और जब भी एक ऐसा दिन आता है जब सारे सुपरस्टार्स को रिलीज करा जाता है, तो बात घूम फिर के वहीं पे आ जाती है कि क्या भाई ये कंपनी जो है वो आगे जाके बिक जाएगी, क्या विंस मैकमैन WWE को सेल के लिए सेटअप कर रहे हैं। तो इंटरेस्टिंग है सारी चीजें गाइस। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा आपके कमेंट्स ओपिनियंस कि कौन से नाम है इन सभी में से जो आपके लिए सबसे ज्यादा शॉकिंग है, क्या है आपका इसके ऊपर पूरा थॉट। तो डेफिनेटली जो भी ओपिनियंस है मुझे कमेंट्स में आप बता सकते हैं। आई डोंट थिंक यहां पे कुछ बहुत ज्यादा डिटेल में जाके बात करने की जरूरत है। तो जो भी आगे अपडेट्स होंगे वो मैं आपके साथ चैनल पे शेयर करते रहूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है गाइस, इसे लाइक करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं।